हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बेकरी की नॉलेज दी हुई है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं या फिर रेसिपीज़ होती है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करी हुई है या फिर आपको वीडियो बताई हुई है। लेकिन दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है होटल से रिलेटेड, कि जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो होटल्स में जाने के लिए किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो बेकरी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, बेकरी में किस तरह से जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, चाहे अप्रेंटिसशिप हो जाए, जॉब ट्रेनिंग हो जाए, IT हो जाए, JT हो जाए, VT हो जाए, यानी कि VT मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, IT मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, JT मतलब जॉब ट्रेनिंग और AP मतलब अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या फिर आप बेकरी से, जब आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड हो जाता है, यानी कि जब आप एक साल का कोर्स या डेढ़ साल का कोर्स कंप्लीट करके किसी होटल्स में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा माई सेल्फ के बारे में। माई सेल्फ सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि माई सेल्फ में आपकी जो भी नॉलेज होती है बेसिक तौर पे आप उनको HR को, जो आप इंटरव्यू दोगे HR को, तो उनको मिल जाती है, जैसे कि आप रहते कि आपका नाम क्या है। वैसे तो उनके पास आपका CV होता है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी वो बोलने का स्टाइल कैसा है, सब कुछ उसी में आपको पता चल जाएगा जब आप माई सेल्फ देते हो। ठीक है, ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया। लेकिन जो सेकंड नंबर पूछा जाता है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टिंग इन बेकरी। अगर आप बेकरी के लिए जा रहे हो तो उनसे पूछा जाता है कि आप इंटरेस्टिंग क्यों है बेकरी में। और फूड प्रोडक्शन में जाते हो तो पूछा जाता है आप फूड में इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि कई रिलेटिव होते हैं दोस्तों, जो आप करना चाहते हो मन से, अपनी इच्छा से आपने वो कोर्स तो किया होता है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों, वो वहाँ पे पूछते हैं कि आप एक नॉर्मल से नॉलेज के लिए कि आप इंटरेस्टिंग क्यों है बेकरी या किचन में। ठीक है दोस्तों, तीसरे में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। देखिए, वो क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आपसे जानना चाहते हैं, नॉलेज तरीके से लेते हैं कि आपको बेसिक तौर पे पता होना चाहिए कि बेकरी क्या डिपार्टमेंट है और कन्फेक्शनरी कौन सा डिपार्टमेंट है। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ ये होती है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में, बेकरी का मतलब होता है बेक प्रोडक्ट, जहाँ बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, और कन्फेक्शनरी का मतलब होता है डेजर्ट, केक, पेस्ट्रीज वगैरह, जहाँ पे अपना कोल्ड आइटम का चीज़ होती है। बेकरी मान लो जो ईस्ट से रिलेटेड हो जाए, कुकीज़, ब्रेड वगैरह, जितनी भी सारी बेक आइटम में जाती है दोस्तों, स्पंज, कुकीज़, बिस्किट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो कन्फेक्शनरी से रिलेटेड होती है, उसमें डेजर्ट के आइटम जाते हैं, जहाँ पे आपको क्रीम का सारे जितने भी होते हैं मुँह से रिलेटेड काम होते हैं, तो वो चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट पर होती है दोस्तों। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर बेकरी करियर इन अ 5 ईयर्स, यानी कि आप 5 साल में अपने आप को किस जगह देखना चाहते हो। ये दोस्तों कई बार मुझसे ही पूछा गया था इंटरव्यू में, क्या ये जब हम नॉलेज कर रहे थे या फिर हम जब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तो जब भी हमारा इंटरव्यू के तौर पे हमें पढ़ाया जाता है तो मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। लेकिन मैंने कई बार उसमें बोला हुआ है कि मैं अपने आप को शू शेफ देखना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं अपने आप को एग्जीक्यूटिव देखना चाहता हूँ। ये सब कई सारे होते हैं जो रिलेटिव पूछे गए थे मुझसे पर्सनली तौर पर पूछा गया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कि आप अपने आप को 5 साल में किस तौर कहाँ किस लेवल पर देखना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया था कि मैं अपने आप को 5 साल के बाद, यानी कि सू शेफ में देखना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मैंने एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज ली, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सोचा, थोड़ा समझा, लेकिन मुझे एक तरह से मेरा पर्सनली फील यही है, तो दोस्तों मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि सू शेफ बनने में फ़ायदा नहीं है और पेस्ट्री शेफ बनने में फ़ायदा नहीं है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनने में फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप किसी डिपार्टमेंट में खड़े हो जाए, यानी कि कोई भी आप चाहे बेकरी में खड़े हो या फिर बेकरी में काम कर रहे हो या फिर कन्फेक्शनरी में काम कर रहे हो, लेकिन जब आप उस डिपार्टमेंट में खड़े हो तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि मुझसे अच्छा शेफ यहाँ पे नहीं है, यानी कि जब मैं आऊँ तो सारी टीम यही बोले कि ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो ये हौसला होना चाहिए दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप किसी भी लेवल पर जाते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लें दोस्तों, आप किस हिसाब से बोलना चाहो कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, या 10 साल या फिर 3 साल के बाद किस लेवल पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे बेसिकली तौर पे हर बार। जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर यूज इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। जब आप बेकरी में काम कर रहे हो या फिर किचन में काम कर रहे हो, तो किस तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो आपके बेकरी से रिलेटेड में होते हैं, तो वो चीज़ें कुछ पूछी जाती है, जैसे कि मिक्सिंग बॉल क्या होता है, व्हिप करने के लिए क्या इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, विस्क क्या होता है, पैडल क्या होता है, हुक क्या होता है, जो इतने टूल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉम्ब होता है, पैलेट नाइफ, पेस्ट्री नाइफ, ये कई सारी चीज़ें होते हैं दोस्तों जो बेकरी के टूल्स वगैरह में आते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है कि पेस्ट्री नाइफ क्या होती है, पैलेट नाइफ क्या होती है, ब्रेड नाइफ क्या होती है। तो ये अलग अलग तौर पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक तौर पे नॉलेज है या फिर आपने इस कोर्स को ज़बरदस्ती किया। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना उस चीज़ को। देखिए,
सम फ्रेंच ब्रेड नेम या इटालियन ब्रेड नेम, मतलब यहाँ देखिए आपसे पूछा जाता है कुछ पांच ब्रेडों के नाम बताओ, कुछ इटालियन ब्रेडों के नाम बताओ, कुछ फ्रेंच ब्रेडों के नाम बताओ। तो ऐसे भी कुछ डेजर्ट के नाम होते हैं दोस्तों, जैसे कि कौन से डेजर्ट कौन से बिलोंग करता है, जैसे दो तीन इटालियन डेजर्ट बताओ और दो तीन अमेरिकन डेजर्ट बताओ। तो इस चीज़ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके नॉलेज के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये नॉर्मल से चीज़ें पता होना ही चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी तो जो कौमी लेवल पे जाते हैं ट्रेनिंग पे, जो थर्ड कौमी जाते हैं सेकंड कौमी जाते हैं, उनको तो पता ही रहता है क्या क्या कौन सी चीज़ से बिलोंग करता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी होती है, सीखी होती है, स्किल्स पे काम किया होता है, तो उस चीज़ के लिए उनको काफ़ी पता रहता है नॉलेज के लिए, ठीक है। सम ब्रेड नेम में जाकर जैसे आएगा तो फ्रेंच ब्रेडों का नाम ज़्यादा पूछा जाता है और इटालियन ब्रेडों का नाम पूछा जाता है, ठीक है। जो साथ में पूछा जाता है नॉलेज में दोस्तों, जैसे कि व्हिप क्रीम क्या होता है, मूस क्या होता है, टार्ट क्या होता है, केक क्या है, पेस्ट्री क्या है, डेजर्ट, गार्निश और मराइन, तो ये सब सारी चीज़ें भी होती है जो पता होनी चाहिए, जैसे व्हिप क्रीम कैसे होता है या फिर व्हिप क्रीम कैसे करते हैं, कौन सी क्रीम इसमें यूज़ की जाती है, तो इस चीज़ से पूछा जाता है। मूज क्या होता है, मूज में दोस्तों कई तरह की वैरायटीज होते हैं, जैसे चॉकलेट मूज हो जाए, व्हाइट मूज हो जाए, गार्निश मूज हो जाए, तो कई तरह के मूज होते हैं डेजर्ट के तौर पे देते हैं, जैसे टार्ट में स्वीट पेस्ट भी से बोलते हैं, शॉर्टकट पेस्ट्री बोलते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें होती हैं जो टार्ट में आती हैं। केक पेस्ट्री से नॉर्मल है, जो आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हो, पाइनएप्पल केक बनाते हो, उससे भी रिलेटेड होता है ये, कि क्या क्या आपको डेजर्ट में पता होता है, क्या क्या आपको केक्स के बारे में नॉलेज है। पूछा जाता है ना जैसे ब्लैक फॉरेस्ट की लेयर कैसे लगाते हैं, देखिए पहले तो उसमें चॉकलेट लेयर लगाते हैं नीचे से और उसमें चेरीज वगैरह डालते हैं, यानी कि डार्क चेरी जाती है, जो सेकेंड ऊपर से जाता है उसमें चेरीज जाता है मिक्स, यानी कि जो डार्क चेरी जाती है व्हाइट क्रीम में जाता है और व्हाइट गनाश जाती है उसमें, फिर उसमें चेरी जाता है ऊपर से, तो वो सब सारी चीज़ें पूछी जाती है कि आपको बेसिक्स तौर पे पता होना चाहिए कि किस तरह से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि रेड वेलवेट पेस्ट्री होती है उसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि वो रेड वेलवेट क्यों होती है, जो रेड वेलवेट पेस्ट्री होती है उसमें रेड कलर तो आप डालते ही हो, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक तौर पर बनाते हो तो उसमें आप बीट रूट डाल सकते हो, यानी कि जो चुकंदर होता है, चुकंदर का जूस वगैरह, तो उस चीज़ को यूज़ करके रेड वेलवेट कलर बनाया जाता है। दोस्तों जो रेड वेलवेट का कलर आएगा, यानी कि जो ओरिजिनल कलर आएगा, यानी कि बीट रूट का कलर आएगा, यानी कि उसमें बीट रूट जूस डाला जाता है, ना कि उसमें रेड कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ डेजर्ट के नाम होते हैं, डेजर्ट के नाम बता दो, गार्निशेस चॉकलेट की कौन कौन सी गार्निशेस होती है, मराइन क्या होता है, मराइन कैसे बनता है, तो इस सब सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रेड, मतलब कई सारी चीज़ें होती है जो ब्रेड में डालते हैं जिससे कि ब्रेड फूलती है, अपना काम करती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है जो ब्रेड के लिए मेन होती है, जिसके बिना हम कुछ नहीं बना सकते बेकिंग से रिलेटेड। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो हमारी ईस्ट ही है, ईस्ट मतलब जो अपना प्रोडक्ट CO2 गैस बनाने का, रेजिंस करने का, उस चीज़ का काम करती है। अगर ईस्ट नहीं हो तो बेकरी का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि ईस्ट के बगैर अगर कोई चीज़ फर्मेंट नहीं करेगी, कोई चीज़ बनेगी नहीं, तो वो कैसे आम आगे प्रोडक्ट देंगे। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको छोटी सी नॉलेज बताई आपको सब समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहें HM से रिलेटेड, यानी कि जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी होटल्स में किस तरह से आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करके जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको और भी कुछ पूछना हो, और भी कुछ जानना हो, कई जानकारी चाहिए हो, तो नीचे कमेंट में जरूर करना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नॉलेज में, अब मुझे इजाज़त, जय हिंद।